अजमेर में लोगों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हुई रूबी कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ मंगलवार को एक और मामला दर्ज हुआ। आनासागर पुलिस चौकी इंचार्ज बलदेव सिंह ने बताया कि विनीता नामक महिला ने कोर्ट में इस्तगासे के जरिए मामला दर्ज कराया, जिसमें बताया गया कि सोसाइटी में साल 2014 में उन्होंने 2 लाख रुपए जमा कराए। साल 2020 में उनकी अवधि पूरी हुई, लेकिन सोसाइटी ने उनके पैसे नहीं दिए और फरार हो गए। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया। गौरतलब है कि सोसाइटी के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज है। कल दिनांक 1/3/2021 को परिवादिया श्रीमती अंजलि पत्नी विपुल यादव निवासी डिफेंस कॉलोनी द्वारा माननीय न्यायालय से 156 के अंदर थाने पर इस्तगासा भिजवाकर प्रकरण दर्ज कराई है कि वर्ष 2014 के अंदर 2 लाख रुपए रूबी क्रेडिट सोसाइटी रामनगर के अंदर पैसे जमा कराए थे, जिसका भुगतान 2020 में होना था, परंतु रूबी क्रेडिट सोसाइटी के डायरेक्टर श्री